बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण परिचय पढ़ाऊंगी। लेसन वन, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण यानी अक्षर, जिससे हम लोग हिंदी लिखते हैं उसी अक्षर को वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ से अह तक जितने भी वर्ण हैं ये सभी स्वर वर्ण है और इनकी उच्चारण के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि क से स्र तक जितने भी वर्ण हैं ये स्वर वर्ण की सहायता से ही बोले जाते हैं, यानी कि उच्चारण किए जाते हैं। स्वर वर्ण की सहायता के बिना इसका उच्चारण नहीं होता। जैसे क ख ग घ अंगा, यानी कि ये जो हम बोल रहे हैं इसके अंत में एक अ आ रहा है, यानी कि सभी व्यंजनों के साथ अ जुड़ा हुआ है। अब इन्हीं स्वरों का मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है। जैसे आ, क जोड़ आ तभी का बनता है। ऐसे ही छोटी छोटी, क जोड़ छोटी की, बड़ी क जोड़ बड़ी की, छोटी उ क जोड़ छोटी उ कु, बड़ी उ क जोड़ बड़ी उ कु, री क जोड़ री क्री, क जोड़ ए के, क जोड़ ऐ कई, क जोड़ ओ को, क जोड़ औ कऊ, क जोड़ अंग कंग, क जोड़ अह कह।